हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो हम क्लास टेंथ का जो फिजिक्स चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम जानेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। तो अवतल दर्पण का उपयोग पहले देखते हैं। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग जो होता है वो शेविंग करना, मतलब दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में जो मिरर का प्रयोग किया जाता है, जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, वह अवतलीय दर्पण होता है। और उसमें कौन सा स्थिति होता है मैं बनाकर बता दे रहा हूँ, कौन सा कौन सी स्थिति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आप इस स्थिति का प्रयोग करके अवतल दर्पण का प्रयोग वहां पर किया जाता है। ठीक, क्योंकि वहां पर छोटी वस्तु बहुत बड़ी ध्रुव और फोकस के बीच रखकर यहाँ पर बहुत बड़ी दिखाई देती है। ठीक, और आभासी दिखाई देती है। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा सेविंग या दाढ़ी बनाने की, ठीक। अब दूसरा जो हो जाएगा वो डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। जैसे डॉक्टर किसी के दांत देखते हैं तो कोई दर्पण का प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें दांत बड़े आकार में दिखाई देता है। ठीक, वो तो छोटा ही होता है लेकिन उन्हें बड़े आकार में दिखाई देता है। ठीक, तो वो भी इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसी स्थिति का। ये छठवां स्थिति है। ठीक, ये सिक्स्थ स्थिति है। तो वो इसी स्थिति का प्रयोग करके उसको देखते हैं जिसे वस्तु उन्हें बड़ी दिखाई देती है। ठीक, तो वह हो जाएगा डॉक्टरों द्वारा आग देखने में किया। ठीक, तो आपको यह समझ आ गया होगा। अब इसके बाद एक और यूज है जो टेबल लैंप सेट होता है, जिसमें हम टेबल पर रखकर पढ़ते हैं। ठीक, जो टेबल पर रखा जाता है लैंप, उसमें जो दर्पण का प्रयोग होता है वो भी अवतल दर्पण ही होता है, जो किरणों को चारों ओर फैला देता है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा लैंप सेट। और जो चौथा यूज है इसका वह सर्च लाइट में। ठीक, जो कार में, जहाजों में, ठीक, ट्रेनों में जो आगे की तरफ वो सर्च लाइट लगा होता है, उसमें जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण ही होता है। ठीक, जिससे वो वस्तु बहुत, मतलब उसके प्रकाश की किरणें जो होती है, लाइट की प्रकाश की किरणें चारों बहुत दूर तक दिखाई देती हैं। ठीक, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण का फिर क्या उपयोग है। ठीक, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक, उत्तल दर्पण का पहला उपयोग देखे तो है कारों में। ठीक, कारों में या टू व्हीलर कहें तो या थ्री व्हीलर कहें तो, ठीक, उसमें हमें उत्तल दर्पण का उपयोग देखने को मिलता है। जो टू व्हीलर होता है, जैसे कार मान लेते हैं, तो कार में जो साइड लगा होता है दो मिरर, ठीक, वो दोनों मिरर ही उत्तल दर्पण होता है। ठीक, जिससे वस्तु बहुत पास भी होती है तो बहुत दूर की दिखाई देती है। ठीक, उसमें बहुत दूरी तक दिखाई देता है। ठीक, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है ताकि दूर से आती हुई गाड़ियां दिखाई दे। लेकिन उसमें यह परेशानी है कि वह दूर की वस्तु, अगर कोई वस्तु पास भी है तो वह दिखाएगी कि बहुत दूर है। ठीक, तो हमें वो खुद समझना होता है। ठीक, इसके लिए वहां पर एक बीच में जो मिरर लगा होता है गाड़ियों के बीच में, साइड तो उत्तल दर्पण लगा होता है और जो बीच में लगा होता है वो समतल दर्पण होता है। ठीक, वह
उसमें भी वो वस्तु दिखाई देता है तो वो उसकी दूरी के हिसाब से दिखाई देता है, ठीक, क्योंकि वहां पर जितनी दूरी रहेगी वही फिर समतल दर्पण में भी दिखाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि वस्तु का बिंब और प्रतिबिंब दोनों की दूरी एक समान होती है, ठीक, तो इसलिए समतल दर्पण का भी प्रयोग किया जाता है बीच में, ठीक, ये भी मैंने बता दिया समतल दर्पण का एक उपयोग, और उत्तल दर्पण का कारो बसो, ठीक, आदि में दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक, जिससे वह वस्तु बहुत दूर होती है तो दिखाई दे देती है, ठीक। तो अब इसके बाद एक और टॉपिक देख लेते हैं इसी में कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कैसे पहचाने, ठीक, और समतल दर्पण को। तो अवतल दर्पण को पहचानने के लिए, और यही देखिए कि ये अवतल दर्पण है, ठीक, तो अवतल दर्पण का बीच का भाग दबा होता है, ठीक, और कोई भी दर्पण होगा तो वह दर्पण ऐसे होगा, ठीक, अवतल दर्पण होगा तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक, ऐसे, तो ऐसे होगा तो मतलब इसके ये दबा हुआ भाग है और ये उठा हुआ भाग है, ठीक, तो ये अवतल दर्पण होगा, और इसी तरह वह उत्तल दर्पण होगा तो वह ऐसे होगा, ठीक, ये भाग उठा हुआ होगा और ये भाग दबा हुआ होगा, शायद किनारे किनारे के भाग दबा हुआ होगा, ठीक, और जो समतल दर्पण होगा वो एकदम सीधा होगा, ठीक, ऐसे होगा एकदम, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को कैसे पहचाने और समतल दर्पण को कैसे पहचाने। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट पार्ट के लिए देखने के लिए इस चैनल के बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।